बारिश में रहे सावधान, घरों में घुस रहे कोबरा और अन्य जहरीली सांप। पंचकुला में आए दिन लोग हो रहे हैं सर्प दंश का शिकार। बारिश के मौसम में कोबरा और अन्य जहरीले सांप बिलों से बाहर निकलकर घरों में घुस जाते हैं। बारिश का मौसम आते ही जहरीले सांप, बिच्छू व कीड़े मकोड़े को काटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जैन ने बताया कि बारिश के कारण जमीन में अत्यधिक गर्मी हो जाती है। इस कारण बिल से सांप निकलकर अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं और घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में खास तौर पर इस मौसम में जागरूक रहने की जरूरत है। इन बातों का रखें ध्यान। पहला, जूते पहनने से पहले चेक करें। दूसरा, रात को सोने से पहले बिस्तर को साफ करें। तीसरा, रसोई के अंदर सिंक के नीचे चेक करें। चौथा, फर्श और दरवाजे के बीच पट्टी लगाएं ताकि कोई भी जीव अंदर ना आ सके। पांचवा, रसोई में बर्तन रखने के स्थान को चेक करते रहें। चिकित्सा विशेषज्ञ और पारस अस्पताल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर आशीष अरोड़ा और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुमित जैन ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया कि सांप के काटने पर क्या ना करें। जिस व्यक्ति को सांप ना काटा है उसे बेहोश ना होने दें। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, तुरंत चिकित्सक से इलाज कराएं। सांप के काटने वाली जगह पर रुमाल, कपड़ा आदि ना बांधें। काटने वाली जगह पर कोई चीरा आदि ना लगाएं। सर्पदंश की स्थिति में तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार लेने की सलाह दी है। वहीं पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि इस मौसम में काफी सांप निकल रहे हैं। पिछले एक महीने में बात करें तो अब तक 38 सर्पदंश के मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से स्नेक बाइट्स के केसेस इस मौसम में काफी ज्यादा आते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से अटेंड किया जाता है प्रोफेशनली? बेसिकली कोई भी बाइट, आइदर कोई अगर स्नेक बाइट है कंफर्म्ड या इवन अगर डाउटफुल बाइट भी है, मतलब इंसेक्ट वर्सेज स्नेक बाइट, सो वी आर नॉट श्योर कि क्या किस तरह की बाइट है, एक बार तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। मतलब हमें जो होम रेमेडीज और जो लोकल ट्रीटमेंट में ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअली में स्नेक बाइट है और वो पॉइजनस स्नेक बाइट है तो वो जो क्रूशल टाइम है उसमें लूज हो जाता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल आना, उसके बाद जो हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह के फीचर्स हैं, सबसे पहले तो जो बाइट साइट है उसको देखते हैं कि वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई स्वेलिंग या कोई रेडनेस या कोई उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा हुआ तो नहीं है या वहाँ पे कोई जख्म वगैरह तो नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है। बिकॉज अगर ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, कोई जख्म हो रहा है, तो वो भी एक ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्नेक है ये पॉइजनस स्नेक हो सकता है। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड, हम कुछ एक उनके फीचर्स देखते हैं, जैसे हम पूछते हैं उनकी, देखते हैं आँखें जैसे अपने आप बंद तो नहीं हो रही हैं, उनको खाने पीने में कोई या स्वेलोइंग में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे अगर पानी पिएंगे तो वो पानी नहीं पी पाएंगे, खांसी होगी बार बार, बाहर आएगा, या हाथों पैरों में भी वीकनेस हो सकती है, और अगर बहुत एक्सट्रीम तक पहुँच जाए तो सांस की दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। तो ये एक, मतलब दो फीचर्स है, एक लोकल और एक जो अगर वीकनेस अगर आनी शुरू है। तीसरा एक और फीचर, अगर मतलब जैसे सर ने बताया कि वैस्कुलोटॉक्सिक बाइट, मतलब जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो वॉल्स हैं उनको अगर लीकी कर दें तो जगह जगह से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो शरीर के मल्टीपल जो अंग हैं वो फेल करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, वो फेल करना। सो इसीलिए कोई भी अगर बाइट हो सबसे पहले हॉस्पिटल आना जरूरी है ताकि हम ऑब्जर्व कर पाएं कि किस क्या फीचर्स हैं, और वो फीचर्स 24 घंटे में इवॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब लेट्स से हमने देखा कि सिर्फ अभी लोकल प्रॉब्लम है तो हम उस लोकल वुंड की ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वुंड बहुत ज़्यादा है, तो तब भी हम एंटी स्नेक वेनम दे सकते हैं उस सिचुएशन में। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम असेस करके डिसाइड करते हैं कि कितनी स्वेलिंग है, स्वेलिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑलरेडी हमारे पास फिक्स फीचर्स हैं, मतलब वीकनेस शुरू हो गई है, स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं या सांस में दिक्कत हो रही है, तब भी हमें पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम देना, और साथ में अगर तीसरी तरह की बाइट है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी हमें देना है। तो ये तो हो गया पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम प्लस लोकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा जैसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अब जैसे किसी को अगर वीकनेस है, सांस ही नहीं लिया जा रहा है, आपने पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम दिया, वो इमीडिएटली तो ऐसे नहीं होगा कि रिवर्स कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हमें उस उन सब चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ता है। लेट्स से किसी को अगर वीकनेस है,
सांस नहीं लिया जा रहा है तो उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अगर लोकल वुंड इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स हमें देने पड़ सकते हैं उनको। सिमिलरली अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड देना पड़ सकता है, या खून बहुत पतला हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स देने पड़ सकते हैं, या अगर ऑर्गन फेल हो रहे हैं जैसे किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए किडनी फेलियर के लिए डायलिसिस करना पड़ सकता है। सो मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट होती है, मतलब मल्टीपल स्पेशलिटी। सो सबसे जो मेन चीज़ है, पहली चीज़ तो घर पे नहीं ट्रीट करना है, वन हॉस्पिटल आना ज़रूरी है, 24 आवर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। टॉक्सिक है नॉन टॉक्सिक है वो हम 24 घंटे के बाद फिर भी बता पाते हैं, क्योंकि अगर लोकल फीचर्स नहीं है, कोई वीकनेस नहीं हो रही है, कोई ब्लीडिंग के फीचर नहीं है, तो हम थोड़े से और श्योर हो जाते हैं कि अब सेफ है इनको घर भेजना। बट अगर वही चीज़ उन्होंने घर पे की है और बाय चांस सिम्टम्स इवॉल्व होते हैं तो कभी कभी वो इस हालत में हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि हम ट्रीट भी नहीं करते। ठीक है, तो बेसिक इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले है वो ड्यूरेशन का भी है, कि जितना जल्दी हो चाहे किसी भी तरीके का बाइट हो, तो उनको तब सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जैसा कि आपने इसमें बारिश का मौसम है और कई जगह जब बारिश भर जाती है खासतौर पर सांप के जो बिल होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं और फिर वो कई बार लोग घर में घुसते हैं या कई जगह होते हैं और उससे स्नेक बाइट के बिल अमूमन देखने में आता है कि स्नेक बाइट का लोगों को पता ही नहीं चलता कि बाइट हुआ है, या पता चलता है तो किस तरह के सिम्टम्स में पहचाने। तो जनरली जो स्नेक बाइट्स हम देखते हैं कि या तो खेतों में या जंगली इलाकों में होती है, रेजिडेंशियल एरियाज में स्नेक बाइट्स अनकॉमन होती हैं। इस बार जैसे कि अब देखें बहुत बारिश है, फ्लडिंग होने से क्या है कि जो कि नेचुरल उनकी जो हैबिटेशन है जहाँ बिल है उनमें पानी घुस जाते, तो ये लोग बाहर आके रेजिडेंशियल एरियाज में कई बार घुस जाते हैं। तो जो स्नेक बाइट्स हैं जनरली दो तरीके की होती हैं, एक होती है पॉइजनस स्नेक्स, एक होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स। जनरली इनको हम डिफ्रेंशिएट जो कैसे करते हैं, इनकी सांप की जो एक रूपरेखा देख के उसकी शक्ल देख के थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सांप जनरली जो पतले लंबे स्नेक्स होते हैं जिनकी काली मतलब गोल आंखें होती हैं और एक उनकी एक जैसी शेप होती है ना, जनरली ये लोग नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका जो होता है हम देखते हैं कि मुंह का आकार जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, आंखें थोड़ी इलिप्टिकल होती हैं, गर्दन पतली लंबे स्नेक्स, ये जनरली पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। और इनमें जो जो करेक्टरिस्टिक्स देखें तो पॉइजनस स्नेक्स एक होते हैं जैसे जो कॉमन पॉइजनस हैं उनमें वाइपर स्नेक्स हैं, कोबरा है, क्रेट है, इनमें कुछ स्नेक्स होते हैं वेस्कुलर टॉक्सिक और कुछ होते हैं न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक। तो इनिशियली जब सिम्टम्स सांप काटता है तो उसके जो हम देखते हैं कि एक कॉमनली देखते हैं निशान दिखते हैं पैरों में, हाथ पे कहीं भी, तब तो जब भी एक अंस एक सस्पेक्टेड कोई बाइट का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं उस साइट ऑफ जो बाइट है उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। अगर हमें वो करेक्टरिस्टिक फैंग मार्क्स जो दो मार्क्स मिल जाते हैं तो एक थोड़ा सा हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। उसके बाद जो सिम्टम्स ज़्यादातर जो स्नेक बाइट्स हैं वो नॉन पॉइजनस होती हैं, तो हमेशा कभी भी स्नेक बाइट है तो घबराना नहीं चाहिए एकदम से, कि कई लोग तो घबराहट से मर जाते हैं कि सांप ने काट दिया। मोस्टली जो स्नेक बाइट्स होती हैं 90% वो नॉन पॉइजनस होती हैं। जो पॉइजनस स्नेक बाइट्स हैं उनमें जो सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स आते हैं, जो वेस्कुलर स्नेक बाइट्स हैं उनमें सिम्टम आते हैं कि पेशेंट में खून जमना बंद हो जाता है, उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, यूरिन में ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो जो सांप होते हैं जिनमें कि कोबरा क्रेट है, उनमें जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखें बंद होती जा रही हैं और पानी पी रहा है, अटक रहा है, मतलब ये अर्ली सिम्टम्स हैं जिनमें कि पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई करके टाइम पर ट्रीट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्नेक बाइट्स जो है ट्रीटेबल है अगर वो टाइम पर आ जाए हॉस्पिटल में। तो हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी कोई सस्पेक्टेड एनी बाइट जब तक हमें पता नहीं सांप ने काटा किसी और जानवर ने काटा हॉस्पिटल में आए, एटलीस्ट 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहें। अगर कोई बाइट है, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, 24 घंटे में उसके सिम्टम जनरली आ जाएंगे। अगर जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन अगर वो सांप पॉइजनस के साथ वेस्कुलर टॉक्सिक है या न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक है, तो जो एंटी स्नेक वेनम जो है वो ट्रीटमेंट दोनों में सेम रहती है। बट जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ब्लड की वजह से पेशेंट को न्यूरोलॉजिकली डाउन जा रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, उसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, या उसको खून ब्लीडिंग हो रही है उस हिसाब से प्लाज्मा या कोई और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे लोग कई बार देखते हैं कि कुछ और भी प्रक्रिया अपनाते हैं, उनको आप कुछ किस तरह की अवेयरनेस के लिए हिदायत देना चाहेंगे या होम रेमेडीज करते हैं? देखो इसमें कोई होम रेमेडी अगर तो नॉन पॉइजनस है तो एक जो सिंपल हमें कि उस बाइट में आपको धो दो सिंपल साबुन से और टेटनस वगैरह हमें लेना चाहिए जो सिर्फ और पेन किलर एसओएस। अगर पॉइजनस है तो कोई भी विधि इसमें काम नहीं आएगी, उसमें हॉस्पिटलाइज करके हमें स्पेसिफिक एंटी स्नेक वेनम देना चाहिए। टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन करने से
जहर बॉडी से जल्दी खत्म होता है और उसका कॉम्प्लिकेशन के चांस कम होते हैं। जिस तरह से डिफरेंट स्नेक बाइट्स होती हैं, कोई नॉन वेनमस है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, तो इनके लिए एंटी जो वेनम का होता है वो भी अलग अलग कैटेगरीज की होती होंगी? नहीं, एंटी स्नेक वेनम जो होता है इनका पूल होता है, जो भी हमारे जितने वेनम्स हैं उनको पूल करके उन सबके खिलाफ एंटीबॉडीज, कॉमन पूल जो हर तरह की बाइट्स में असर करता है, वो डिफरेंट नहीं होता। तो ये वैसे अवेलेबल नहीं हो सकता किसी को हॉस्पिटल में ही? थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रहता है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हमेशा जनरली इसकी कुछ वायल्स हम लोग स्टॉक में रखते हैं ताकि अगर कोई बाइट है इमीडिएटली पेशेंट को उसको एडमिनिस्टर कर पाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।